तो गाइस आज के शोड में हम बात करने वाले हैं आज दिन की बड़ी खबरों की। तो गाइस सबसे पहली खबर जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मंडे नाइट रॉ से। तो गाइस जो हमने मंडे नाइट रॉ देखी उसकी व्यूअरशिप आ चुकी है और व्यूअरशिप काफ़ी कम आई है, और जो व्यूअरशिप आई है वो है 1.737 मिलियन। तो गाइस पिछले हफ्ते से रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम आई है, पर जो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जो फिन का ब्रे वाइट का मैच था उससे भी थोड़ी व्यूअरशिप जो है अच्छी खासी नहीं आई। तो ये थी कुछ व्यूअरशिप कैसे लगी, ये मैं बात बताना चाहता था। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो गाइज वो जुड़ी हुई है हमारे WWE के नेक्स्ट पेपरव्यू TLC से। तो गाइज WWE के जो TLC के मैच कार्ड्स है उनके जो बैटिंग ऑर्डर्स है वो मेरे सामने आ चुके। तो गाइज मैं थोड़ी बैटिंग ऑर्डर्स की बात करता हूँ। तो गाइज सबसे पहला मैच आता है वो है हमारे साशा बैंक्स वर्सेस कारमेला का मैच, और इस मैच के अंदर क्लियर फेवरेट हमारे साशा बैंक्स है और इस मैच के अंदर वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेगी। नेक्स्ट मैच है आस्का और लाना वर्सेस नाया जैक्स और शेना बेज़लर का वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, और इस मैच की मैं बात करूँ तो इस मैच के अंदर भी जो नाया जैक्स और शेना बेज़लर है वो यहाँ पर क्लियर फेवरेट बताने जा रही है। नेक्स्ट मैच की बात करूँ एजी स्टाइल्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप का मैच, और इस मैच के अंदर भी जो हमारे ड्रू मैकइंटायर है वो फेवर है कि वो अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पर डिफेंड करेंगे। नेक्स्ट मैच की बात करूँ रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फिन ब्रे वाइट की, और इस मैच के अंदर भी जो हमारे फिंड है वो यहाँ पर बैटिंग आउट में सबसे ज़्यादा आगे चले। मेन इवेंट अब तो बात कर लेते हैं। तो गाइस लास्ट मैच है रोमन रेंस वर्सेस केविन ओन्स का मैच, इस मैच के भी बैटिंग ऑर्डर्स हमारे सामने आ चुके हैं और बैटिंग ऑर्डर्स का अंतर काफ़ी है, रोमन रेंस के अंदर क्लियर फेवरेट। तो गाइस रोमन रेंस यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेगा और केविन ओन्स को हारेंगे, और जिससे भी रोमन रेंस जल्दी चलिए अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले। तो गाइस ये थी TLC के बैटिंग ऑर्डर्स, कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं हमारी मेन न्यूज़ की। तो गाइस मेन न्यूज़ जुड़ी है रोमन रेंस और गोल्डबर्ग से। तो गाइस गोल्डबर्ग ने जो है द बम शो में आकर एक बात बोली, उन्होंने आकर कहा कि मैं जो हूँ, उन्होंने तगड़े रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिया। तो गाइस गोल्डबर्ग आकर उन्होंने कहा कि रोमन रेंस जो है अभी फिलहाल अच्छा कर रहा है, पर जो स्पीयर मूव दे रहा है उसको तो पता ही नहीं है स्पीयर कैसे मूव दिया जाता है, वो कैसे भी अपनी मूव देता है, उसको ठीक से स्पीयर का इस्तेमाल भी करना नहीं आता, और उसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे स्पीयर देता दिया जाता है, मैं उसको जब तक आकर स्पीयर नहीं दूंगा उसको स्पीयर कैसे देते वो पता ही नहीं चलेगा। उसके ऊपर रोमन रेंस ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा कि आई नेवर वेट इन लाइन, आई एम अटेंशन and I choose who's next and that's it's Kevin Owens #TLC #Islands of Revelry। तो आज यहाँ पर रोमन रेंस ने ट्वीट किया, और यहाँ पर से साफ साफ हमें यहाँ पर मतलब समझ में आ रहा है कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच WWE यहाँ पर आगे जाकर फिक्स करिए। मेरे ख्याल से रेसलमेनिया में इनका मैच हो सकता है, फिर सुपर शोडाउन के अंदर इनका WWE मैच ऑफिशियल कर सकती है। तो गाइस इनका मैच ऑफिशियल होगा, इसके बारे में आपके थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना, और गाइस आज की वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरा यूजर नेम है wrestling8019, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।